हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स तो मिलती ही है। वैसे आज संडे है, संडे सीरीज, और जैसा कि आप लोग जानते हो मार्च का फर्स्ट संडे है। तो हम हर बार हर मंथ में फर्स्ट संडे में हम क्या डिस्कस करते हैं, तो उस मंथ में आने वाली टॉप जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं हमेशा टॉप 5 जॉब्स के बारे में डिस्कस करता हूं, आज भी कुछ ऐसा ही करूंगा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज डेली जॉब अपडेट्स देता हूँ, कल भी मैंने जॉब अपडेट दी थी, और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स आने वाली है। तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। ना सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो जॉब है उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, जो कि जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है एनी ग्रेजुएट, और यहाँ पे एनी पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर किया है तो भी एनी ग्रेजुएट चलेगा, एनी पोस्ट ग्रेजुएट और नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 22,000 है, इसको मैंने फिफ्थ नंबर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर इसकी पोस्ट यानी वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 442 वैकेंसीज है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। और उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC जॉब्स, उसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है 27 स्टेनोग्राफर अपर डिविजन क्लर्क, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है 12th और एनी ग्रेजुएट, और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है 20,000। वैसे ये जॉब में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अच्छी जॉब है, कर सकते हैं, देख लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। वैसे भी सारी डिटेल्स में सारी जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे रखते हैं तो यहाँ पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 127 पोस्ट निकाली है टेक्निकल असिस्टेंट, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर्स डिग्री एंड डिप्लोमा, और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 35,000 मांगी है। तो ये बहुत अच्छी है, ये भी अगेन बहुत अच्छी है, सारी की सारी अच्छी जॉब्स में ही आ रही है, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया ना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे SJVN लिमिटेड रिक्रूटमेंट, जो कि एक मिनी रत्न की कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विदाउट गेट सिलेक्शन होने वाला है, और यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपको यानी कि जब ट्रेनिंग पीरियड होगा उस टाइम पे 50,000 स्टार्टिंग होगा, और ये जा सकता है 1,60,000 तक, और जॉब लगने के बाद कुछ करीबन 60,000 से लेकर 1,80,000 तक का ऑफर कर रहे हैं, वो भी विदाउट गेट। ऐसी जॉब्स नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रही है। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, MBBS, MD ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब 1,00,000 वैकेंसीज, यानी कि जो आपको भी पता है ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है RRB की जॉब्स के बारे में, तो RRB रिक्रूटमेंट के एक ऑलरेडी निकल चुका है नोटिफिकेशन, बाकी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। एक नोटिफिकेशन डिस्कस हमने ऑलरेडी कर दिया है RRB NTPC का, पैरामेडिकल का। और यहाँ पे अब जो है मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड और ये सब पोस्ट आने वाली है, टोटल कुल मिला के 1,00,000 पोस्ट आने वाली है। ऑलरेडी 35,000 निकल चुकी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये है टॉप 5 जॉब्स मार्च में जो आने वाली है, आप मुझे बताओ आप किस में इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो सारी जॉब्स को डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे नोटिफिकेशंस को वन बाय वन सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये संडे सीरीज है तो सबको मैंने ओवरव्यू में बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।